नमस्कार। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। निगम के चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे निगम द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रम व योजनाओं की जानकारी तथा पशुपालन व कृषि से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त हो सके। भारतीय पशुपालन की स्थापना का उद्देश्य देश के सभी पशुपालकों व किसानों को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूती प्रदान करना है। निगम द्वारा हमेशा से गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए निगम द्वारा एक ग्राम पंचायत एक रोजगार योजना के तहत ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार दिया जाता है और स्वरोजगार के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। पशुपालक समृद्धि व सुरक्षा योजना स्वस्थ पशु सुरक्षित पशुपालक योजना के तहत निगम द्वारा निर्मित स्वदेशी गोल्ड दूध धारा कैल्शियम की खरीद पर पशुपालक को निःशुल्क 1 लाख का दुर्घटना बीमा 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार व आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुक्कुट पालन, बकरी पालन, प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। निगम द्वारा उपरोक्त कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व स्वरोजगार जैसे आजीविकाओं के विकल्प उत्पन्न किए जाएंगे। इस कड़ी में निगम के अधिकारियों द्वारा जयपुर जिले के जोबनेर कस्बे में स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय में स्थित पोल्ट्री फार्म, हेचरी इकाई व ब्रूडर हाउस का भ्रमण किया गया। इस भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने पोल्ट्री फार्म के बारे में हेड ऑफ डिपार्टमेंट व अन्य कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त की। साथ ही अधिकारियों ने पोल्ट्री फार्म के रखरखाव, साफ सफाई, दाना पानी की व्यवस्था व टीकाकरण के बारे में भी जानकारी ली। महाविद्यालय के पोल्ट्री फार्म में बने ब्रूडर हाउस व हेचरी इकाई के ऑपरेशंस व रखरखाव के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। पोल्ट्री फार्म में विभिन्न प्रकार की नस्लों के चिकन जैसे कड़कनाथ, क्रॉयलर और भी कई नस्लों के चिकन व चूजे रखे गए हैं। निगम के अधिकारियों के साथ श्री गोपाल गोसाल रेनवाल के वर्तमान अध्यक्ष व रेनवाल नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन श्री कैलाश जी शर्मा भी मौजूद रहे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य निगम द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना है। ग्रामीण क्षेत्र देश की एक महत्वपूर्ण व अर्थपूर्ण हिस्सा है। अगर इनका सर्वव्यापी विकास होता है तो सही मायने में देश विकास की ओर बढ़ेगा और उन्नति होगी। भारतीय पशुपालन निगम का एक ही नारा है, उन्नत पशुपालन उन्नत भारत। वंदे मातरम। धन्यवाद।